रसोई की रानी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अपने बालों को आप लंबा और लंबे समय तक सुंदर कैसे रखें। रसोई की रानी। अब बारी है मेहमान नवाजी की। आज के एपिसोड में जो हमारी गेस्ट हैं, वो बेहतरीन अदाकारा हैं, सशक्त भूमिका निभाती हैं। हिंदी भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में काफी सीरियल्स और फिल्में कर चुकी हैं, कई बार बेहद सख्त और क्रूर महिला का पात्र निभा चुकी हैं, पर दिल की उतनी ही नरम है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रावणी गोस्वामी का। श्रावणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रसोई की रानी सीजन 2 में। थैंक यू भाई। हमने जितना सुना था आपके बारे में वो सब तो गलत निकला। मतलब ये कि जो जो हमने सुना था उससे तो कहीं बेहतर और कितनी खूबसूरत हैं आप। तो हमने सुना था आप बहुत खूबसूरत हैं, पर आप तो बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, थैंक यू। और हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बंगाली हैं। जी हाँ। और आपको माछी भात बहुत पसंद है। माछ भात हाँ पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। तो ये बताइए कि जो आपकी खूबसूरती है इसके पीछे क्या माछ यानी कि फिश खाने का भी कोई राज है? कहते हैं कि मछली खाने से स्किन टोन बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन हाँ, बंगाली है तो बोलते हैं कि मच्छी खाने से स्किन बहुत अच्छा रहता है, पर खूबसूरती का राज ये है ये तो मुझे नहीं पता। ये बताइए कि आजकल आपका कौन सा सीरियल चल रहा है? देखिए, एक बिग मैजिक के लिए हम एक नया शो कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा ही चाहिए। और इस कदर हम बिजी हैं कि ये तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे भाई, हम यहाँ से कहीं उस सेट से कहीं और चले जाए, तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुला लिया, बस शूट से ही आ रहे। तो ये बताइए कि बेटा ही चाहिए में क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि हमें खाने में ये ही चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, वैसे तो बहुत ही इजी और सिंपल डिश है जो है आलू। आलू हर किसी के घर में होता है, आलू पोस्तो। आलू पोस्तो बहुत ही इजी है। अच्छा, मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो नया शो लेकर आ रहे हैं बेटा ही चाहिए, आप लोग जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट टाइम बिग मैजिक में डेली शो आ रहा है, देखिएगा जरूर, और बहुत ही अच्छा शो है। और मेरा जो किरदार है वो है कलावती, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ शुरुआत में और उसके बाद उतना ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, पर गाली मत दीजिएगा, ये तो किरदार है, करना ही पड़ता है। जैसा हमने शुरू में भी कहा कि इन्होंने बड़े कठोर से जो पात्र हैं वो निभाए हैं, लेकिन नारियल होता है नारियल, बाहर से वो सख्त होता है, अंदर से एकदम मुलायम होता है, तो ये हमारी नारियल हैं, क्योंकि ये दिखने में कठोर लगती हैं, अंदर से बिल्कुल नरम हैं। बेशक ये मुंबई में रहती हैं, लेकिन इनको अपने ही प्रदेश की चीज़ें बहुत पसंद हैं, और सचमुच क्यों ना हो, वो चीज़ ही इतनी लाजवाब हैं, इतनी लजीज हैं। तो श्रावणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेट पर आए और आपने खाने से जुड़ी हुई बातें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ज्ञान दिया, बंगाली डिश का भी ज्ञान दिया, और आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है इसके बारे में हम सबको बताया। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी श्रावणी गोस्वामी रसोई की रानी।